Well, dear students, we shall complete the remaining two rivers of Himachal Pradesh, that is Chenab and Yamuna. Chenab ki agar hum sabse pehle baat karein, Rigved mein Chenab ko Asikani ke naam se pukara gaya hai, jiska arth hota hai kale rang ka jal dharan karne wale. Baad ke granthon mein ise Iskamti bhi kaha gaya aur Atharved mein Krishna ke naam se bhi ise pukara gaya. महाभारत में इसे चंद्रभागा के नाम से उल्लेखित किया गया और यूनानियों ने इसे सेंड्रोफेगस सेंडाबागा और कैंटब्रा के नाम से पुकारा. अलवरुनी ने ही सर्वप्रथम इसे चिनाब के रूप में उल्लेखित किया और हिमाचल में इसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है और लंबाई के हिसाब से हिमाचल की ये चौथी लंबी नदी है. उद्भव की अगर हम बात करें तो इसका उद्भव बारालाचा दर्रे से होता है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बारालाचा दर्रा है और हिमाचल की सबसे उत्तरतम नदी है. ये आप मैप में यहाँ देख रहे हैं, हिमाचल का मैप है. यहाँ पर लाहौल स्पीति देखिए, यहाँ से बारालाचा दर्रे से इसका उद्भव होता है और लाहौल स्पीति तथा जो चंबा है ये दो ही ज़िले हैं जिनसे होकर के चिनाब नदी गुजरती है. लाहौल स्पीति जिले में स्थित चंद्रताल झील जो कि 4,866 मीटर ऊंचाई पर स्थित है वहाँ से चंद्रा नदी और सूरजताल झील जो कि 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है वहाँ से भागा नदी निकलती है और दोनों का संगम तांदी नामक स्थान पर होता है. उसके बाद ही चंद्रभागा नदी का उद्भव होता है. यह कैलांग के दक्षिण में स्थित है. यहाँ पर देखिए ये लाहौल स्पीति है. यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद्रा और जो सूरज चंद्रताल और सूरजताल दो झीलें हैं वहाँ से ये तांदी नामक स्थान पर दोनों मिलती हैं और उसके पश्चात ही चंद्रभागा नदी का उद्भव होता है. सूरजताल और चंद्रताल का जल विभाजन भी बारालाचा दर्रे द्वारा ही होता है. लाहौल में चंद्रा को रगोली और भागा को गारा कहा जाता है स्थानीय भाषा में. चंबा में थिरोट के समीप भुजंद नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है. ये चंबा है, यहाँ पर थिरोट नामक स्थान पर जो है वो प्रवेश करती है ये नदी. और संसारी नाले के समीप नदी जम्मू में प्रवेश करती है. जम्मू में यहाँ पर ये चंबा से जो नेक्स्ट अगला जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर संसारी नाला है, वहाँ पर ये प्रवेश करती है. ग्रीक इतिहासकारों ने इसे अकेसनीज के नाम से पुकारा है और यह हिमाचल के केवल दो जिले लाहौल स्पीति और चंबा में ही बहती है. लाहौल स्पीति है और ये चंबा है, इन दो जिलों में ही जो है चिनाब नदी बहती है. प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो 3,453 मेगावाट हैं और विद्युत उत्पादन की क्षमता के अनुसार यह तीसरी नदी बड़ी नदी है. और पानी के आयतन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी पानी के आयतन के हिसाब से. लाहौल स्पीति में योचनाला, जास्करचो, मिलंग, ब्यूलंग और मियार नाला उदयपुर में इस नदी में मिलते हैं. ये लाहौल स्पीति हैं. ये जो नाले हैं जो इसकी सहायक नदियाँ या आप सहायक नाले कह सकते हैं, योचनाला है, जास्कर है, चो है, मिलंग है, ब्यूलंग है, ये सब के सब जो है उदयपुर के समीप इस नदी में मिलते हैं. और छोबिया और कालीछो नाले त्रिलोकीनाथ के समीप चिनाब से मिलते हैं. छोबिया और कालीछो नाले जो कि त्रिलोकीनाथ के समीप इसमें मिलते हैं. चंबा के दाई ओर पारमार, हुंडन, सुरल, ये चंबा है. चंबा के दाई ओर जो है वो हुंडन, पारमार और सुरल ये सहायक नाले हैं. और चंबा के बाई ओर अगर हम बात करें तो हरसर है, दराती है, मेहरू है. हरसर, दराती और मेहरू ये चंबा के जो है वो बाई ओर सहायक नाले हैं. चैनी नाला मिनहार के समीप जो है वो इस नदी में मिलता है. इस प्रकार चिनाब की सहायक नदियों की अगर संक्षिप्त में बात करें तो लाहौल स्पीति के अंदर जो है योच नाला है, जस्करचो है, मिलंग है, ब्यूलंग है, मियार नाला है, छोबिया है, कालीचो है. और चंबा के अंदर पारमार है, हुंडन है, सुरल है, हरसर है, दराती है, मेहरू है, चैनी है. ये अलग अलग जो है वो आपके पास विवरण दिया गया है ताकि आप इसको बड़ी सरलता से याद कर सकें. नेक्स्ट है यमुना. यमुना का उद्भव उत्तरांचल में स्थित यमुनोत्री हिमखंड के समीप बंदरपूंछ नामक चोटी से निकलता है जिसकी ऊंचाई 6,387 मीटर है. स्थानीय भाषा में इसे जमुना भी कहते हैं और यमुना शब्द की उत्पत्ति यम से हुई है जिसका अर्थ है जुड़वा. शायद गंगा के समांतर होने से भी इसे यमुना कहा गया. यमुना का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्वेद, ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है. गंगा की दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है. हिमाचल में इसका प्रवेश सिरमौर के खोदर मांजरी नामक स्थान पर होता है. ये देखिए यमुना यहाँ उत्तरांचल में
जो है वो बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ के समीप है यमुनोत्री से, और हिमाचल में ये मात्र जो है वो सिरमौर जिले से होकर के बहती है। टोंस नदी शिमला और उत्तरांचल के मध्य भी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं, और मीनस नामक स्थान पर सिरमौर में टोंस नदी प्रविष्ट होती हैं। बंगाल खड़ है, टोंस नदी का सहायक खड़ है, मीनस के समीप यह भी मिलता है। टोंस नदी खोदर माजरी के समीप यमुना से मिलती हैं। टोंस जोंसार बाबर और गिरिपार सिरमौर के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा भी बनाती हैं। गिरी नदी यमुना की सहायक नदी शिमला के जुबल में स्थित कूपर चोटी से निकलती हैं। शिमला और सोलन से गुजरती हुई सिरमौर के मरियोग के समीप मदाल मदोपलसा नामक स्थान पर सिरमौर में प्रवेश करती हैं। गिरी नदी सिरमौर और शिमला जिले की प्राकृतिक सीमा रेखा भी जो निर्धारित करती है। गिरी नदी सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है। गिरी के उत्तर उत्तरी भाग में गिरिपार और दक्षिण भाग में गिरियार कहा जाता है। गिरिपार में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होने के लिए पिछले 70 सालों से हाटी आंदोलन सक्रिय है। गिरी नदी पौंटा में स्थित रामपुर घाट नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। बसारी है, चेती है, घरेली है, चंदगांवरी है, कोकू है, देवरी है, दसन है, पराला है, वलसन है, माईपुल है, ये आदि गिरी नदी के शिमला और सोलन में सहायक नाले हैं। चूड़धार से नोइटपालर और बजेतु गिरी के सहायक नाले हैं। बाता नदी सिरमौर में यमुना की सहायक नदी, जो कि धाटीधार केसियोरी स्रोत से निकलती हैं, महत्वपूर्ण हैं। बाता नदी ही क्यारदा दून को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अब आप यहाँ मैप में थोड़ा सा देखिए, ये जो गिरी नदी है शिमला में, यहाँ ये कुपर पीक से निकल करके सोलन और शिमला को क्रॉस करते हुए सिरमौर को लगभग दो बराबर में भागों में बांटती है। सिरमौर के जो उत्तरी भाग है, इसमें विशेष करके आपके पास जो है वो गिरिपार क्षेत्र कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र है, और जो दक्षिणी भाग है इसको गिरियार के नाम से पुकारा जाता है। तो लगभग दो बराबर भागों में जो है गिरी नदी सिरमौर को बांटती है। यह बाता मंडी के समीप मोखिमपुर में यमुना से मिलती है। अगर यमुना की सहायक नदियों की हम बात करें तो शिमला में है गिरी, जो कि कुपर चोटी से निकलती है, और सिरमौर में टोंस नदी है, जो कि टोंस नदी विशेष करके नेटवार नामक स्थान से उद्भवित होती हैं। सिरमौर में बाता नदी है, जो कि सियोरी धाटी धार से निकलती हैं। गिरी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बसारी है, चेती है, घरेली है, चंदगांवरी है, कोकू है, देवरी है, दसन है, पराला है, वलसन है, माईपुल है, नोइटपालर है, बुजेतु है। और टोंस की अगर सहायक नदियों की हम बात करें तो बड़ा बंगाल खंड है, सैंज है, नोएडा है, ये जो है वो इसकी टोंस की सहायक नदियाँ हैं।